ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिर्पाञ्जलदानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को प्रणाम। आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद, बहुत अच्छी। पिछली कक्षा से जुड़ी किसी का भी कोई डाउट हो, जो चीज समझ में नहीं आई हो, वो आप पहले डिस्कस कर लें। और हमारी क्वेश्चनिंग भी रह गई थी पिछली कक्षा की, तो वो क्वेश्चनिंग भी आज इंक्लूड करेंगे हम। हो सका तो कक्षा थोड़ी अधिक समय तक जा सकती है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है ना आपको? जी गुरु जी। यस सर। लास्ट कक्षा में जो था हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था लास्ट कक्षा में हमने? यम और नियमों के फल पढ़े थे सर। वेरी गुड। यानी यम और नियम का फल क्या होगा यदि हम यम को फॉलो करें, और क्या होगा यदि हम नियम को जीवन में धारण कर लें, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो शॉर्टली एक ओवरव्यू इसका देखते हुए चलते हैं अग्रिम सूत्र की तरफ। हमने देखा था कि जो अहिंसा, अहिंसा का जो फल बताया गया था, वो बताया गया था कि यदि कोई साधक अहिंसा में स्थित हो जाए या अहिंसा में अपनी दृढ़ स्थिति प्राप्त कर ले, तो उसके सामने कोई भी हिंसक जीव यदि आएगा, तो वह अपनी हिंसा या बैर भाव को, बैर मतलब एक दुश्मनी जिसे कहते हैं, उसको वो छोड़ देगा। किसको ये फायदा होगा? जो अहिंसा को धारण करेगा या जो अहिंसा में दृढ़ स्थित हो जाएगा, उस साधक को। अग्रिम सत्य की बारे में हमने जाना था कि सत्य की में दृढ़ स्थिति होने से क्रिया फलस्रत्व होता है। क्रिया फलस्रत्व से तात्पर्य है कि जो कार्य किया नहीं है जिस व्यक्ति ने, उस कार्य का भी फल उसे मिल सकता है। कैसे मिलेगा? कि जो साधक यदि सत्य में प्रतिष्ठित हो जाए, दृढ़ स्थिति प्राप्त कर ले या मेच्योर हो जाए, कमांड प्राप्त कर ले, तो उसको होगा क्या? वो जैसा भी जो शब्द अपने मुंह से निकाल देगा किसी के लिए, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, वरदान हो या श्राप, वह सत्य हो जाएगी वो बात, सत्य बोलने वाले की। ठीक है, ये इसका फल था। अस्तेय का फल देखा था हमने, यदि जो साधक अस्तेय में दृढ़ स्थिति पाले या परिपक्व हो जाए, उसके समक्ष जो पृथ्वी में जितने भी रत्न छुपे हुए हैं जहां जहां, वो उनसे उसका साक्षात्कार हो जाता है, वो रत्न दिखाई देने लग जाते हैं उसके लिए, वो रत्न उजागर हो जाते हैं। किसके लिए? जो अस्तेय धारण करेगा या जिसने अस्तेय में दृढ़ स्थिति प्राप्त कर ली हो। ठीक है, यहाँ दृढ़ स्थिति की बात की गई है, यहाँ ये नहीं की गई कि अभी थोड़े समय के लिए हमने अस्तेय धारण कर लिया और हमें रत्न दिखाई नहीं दे रहे। भाई आपको दृढ़ स्थिति लेकर के आनी है, उसमें आप परिपक्व हो जाओ, जीवन पर्यंत आपका पूरा जीवन भी गुजर सकता है। अब ब्रह्मचर्य का हमने लाभ देखा था कि जो ब्रह्मचर्य धारण करेगा उसको वीर्य लाभ होगा। वीर्य लाभ से तात्पर्य है एक ऐसी अपूर्व शक्ति जो मन बुद्धि और इंद्रिय तथा शरीर को दृढ़ और मजबूत बनाती है, ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अपरिग्रह का हमने फल देखा था कि अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संभवता, यानी जो अपरिग्रह को फॉलो करेगा उसमें स्थित होगा, उसको जन्म कथनता संबोध, पूर्व जन्म की कथाएं
और उनके पूर्व जन्म के बारे में पता लग जाएगा उसे, जो मैं पूर्व जन्म में क्या था, मेरा क्या कर्म थे, ये सब उसे पता हो जाएगा। सर अपने ही जन्मों का पता चलता है या दूसरों के जन्मों का भी? अपने का ही करे पड़ेगा, अपने का, क्योंकि आप ओके। अपनी सिद्ध के लिए कर रहे हो, दूसरे की दुनिया का दूसरे के लिए जानने के लिए ना, वो अगला चैप्टर आ रहा है, दूसरे के बारे में जानना है, तो उसमें संयम की बहुत सारी सिद्धियां बताई हैं, इसमें आप अपने बारे में जानो। अब यहाँ से फिर नियम की चर्चा आती है। नियम में सबसे पहले शौच आता है। शौच को मुख्य रूप से दो रूपों में हमने देखा है व्याख्याकारों ने, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो शौच का जो पहला फल है वो है शौचात स्वांग जुगुप्सा, अपने अंगों में जुगुप्सा या अपने अंगों में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाना, या अपने अंगों से घृणा होने लग जाना, या फिर ये कहें हम वैराग्य, वैराग्य कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि यहाँ पे हम अब उनसे ज्यादा अटैच्ड नहीं है, उनसे डिटैच होते चले जा रहे हैं। और परेरे संसर्ग तथा उसके साथ साथ दूसरों के साथ अटैचमेंट होने की जो प्रवृत्ति है हमारी, वो अब खत्म हो गई है। हम किसी चीज के साथ, किसी वस्तु, किसी पुरुष, किसी जीव के साथ अब अटैच होना नहीं चाहते, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने शौच का धारण कर लिया है। अब शौच का दूसरा फल बताते हुए कहते हैं कि सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रियन्द्र जयात्म दर्शन। सत्व शुद्धि, इससे क्या होगा? सत्व शुद्धि और सौमनस्य। सत्व शुद्धि से तात्पर्य है कि अंतःकरण की शुद्धि। नीचे होगा तो अंतःकरण की शुद्धि, ठीक है? और दूसरा क्या? सौमनस्य से तात्पर्य मन में प्रसन्नता। उसका क्या होगा? मन में प्रसन्नता होगी। उसके साथ साथ अगला बताया गया एकाग्र, एकाग्र हो जाएगा उसका चित्त, एकाग्र होगा। तथा इंद्रिय जय आत्म दर्शन, और इंद्रियों पे जय अर्थात इंद्रियों पे विजय हासिल कर लेगा। और उसके साथ साथ अंत में आत्मदर्शन योग्यता, वह योग्यता आ जाएगी जिससे वह आत्म साक्षात्कार कर सके, या आत्म साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? ये शौच का फल है। अब उसके बाद संतोष आता है। तो संतोष के लिए कहते हैं संतोष को धारण करने वालों वाले को अनुत्तम सुख लाभ मिलता है, ऐसा सुख मिलता है उसे जिससे श्रेष्ठ कोई सुख ना हो, ठीक है? अग्रिम देखा था तप का बेनिफिट के, कायेन्द्रीय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपस। इससे क्या होगा? काय, काय अर्थात शरीर और इंद्रिय, शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाएगी, कायेन्द्रीय सिद्धि। और सिद्धि हो जाती है इसमें। और इसका क्या होता है? शरीर और इंद्रिय की शुद्धि होना, और उसके साथ साथ जब अशुद्धियों का नाश हो जाएगा, अशुद्धि क्षया, कुल मिलाकर के शरीर और इंद्रियों की पूरी तरीके से अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। किसके प्रभाव से? तप के प्रभाव से। अब स्वाध्याय, स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है, जो भी हमारे इष्ट देव हैं। यदि स्वाध्याय, स्वाध्याय किया जाए तो वे अपने इष्ट देव को साक्षात्कार कर सकते हैं। अग्रिम आता है ईश्वर प्रणिधान, और ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा? समाधि सिद्धि, समाधि में सिद्धि प्राप्त होगी, समाधिस्थ हो जाएगा साधक यदि ईश्वर प्रणिधान करेगा तो। यहां तक हमने लास्ट कक्षा में चर्चा कर ली थी। आशा है कि किसी को इस पिछली कक्षा को लेके कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगी। यदि है तो वो अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो आज हम 46 से आसन के बारे में, यानी यम और नियम। हाँ जी, किसी का माइक कौन है? हाँ सर, ये अपरिग्रह से पूर्व जन्म में कि के कैसे साक्षात दर्शन हो जाएंगे, पता चल जाएगा, ये कुछ समझ में नहीं आया सर।
अपरिग्रहस्तरीय जन्म कथनता संबोध, जन्म पूर्व जन्मों का संबोध हो जाएगा, पूर्व जन्म के बारे में पता लग जाएगा कि मैं पूर्व के जन्म में क्या था, कैसे कर्म थे मेरे, क्या करता था, जो भी है वो चीज पता लग जाती है। किस कब किसको पता लगती है, जो अपरिग्रह को फॉलो करता है या जो अपरिग्रह में स्थित हो जाता है उसको। ठीक है जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। अभी सर, हाँ जी सर, ये सत्व शुद्धि इसका क्या मतलब है? सत्व से तात्पर्य यहाँ पे अंतःकरण लिया है, सत्व से तात्पर्य अंतःकरण को लिया गया है कि अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। ठीक है ओके जी राजदीप जी, अब अग्रिम सूत्र में आसन की शुरुआत होती है, थर्ड स्टेप आ गया है, थर्ड लिम्स ऑफ योगा। यम नियम को हम देख चुके हैं, उनके बेनिफिट को देख चुके हैं, अब तीसरा यम नियम के बाद क्या था, आसन। तो आसन के बारे में महर्षि सिर्फ और सिर्फ इतना कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम। यहाँ दुनिया भर के जैसे हठयोग में बहुत सारे आसन हैं, उस तरह के आसनों की चर्चा नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ महर्षि ने इतना कह दिया कि निश्चल, स्थिर से मतलब निश्चल, जो बिना हिले डुले सुख पूर्वक बैठने का नाम आसन है। यानी एक ऐसी बिना हिलन डुलन के ऐसे डामाडोल रहे या स्थिर नहीं हो पा रहे या जिसमें सुख नहीं लग रहा, प्रॉब्लम हो रही है बैठने में, ऐसी स्थिति को आसन नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ उस स्थिति को महर्षि ने आसन माना है कि आप बिना हिले डुले निश्चल भाव से सुख पूर्वक जिस अवस्था में बैठ सकते हैं उसी को आसन कहा है। क्लियर हो गया है, यानी कि हम ये कहें बिना हिलन डुलन के सुख पूर्वक बैठना आसन है। किसके अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार। डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको ऐसे ही बताना होगा, इन्होंने कोई टाइप्स या दुनिया भर के और सारे आसन नहीं बताए। जैसे हठयोग कहता है कि आसनानि समस्तानि यावन्त जीव जन्तव, 84 लाख आसन बताता है हठयोग, लेकिन ये महर्षि सिर्फ और सिर्फ एक बैठने की अवस्था की बात करते हैं कि बैठना, वो भी ऐसा बैठना जिसमें आप सुख की अनुभूति करो और हिलो डुलोना, वो आसन है। ठीक है, आसन की परिभाषा आपको क्लियर हो गई है यहाँ पे? जी सर। इसके इसके कुछ गुण बताते हैं कि आसन कब दृढ़ होगा या कब परिपक्व माना जाएगा, उसमें सिद्धि कब होगी, कब आप कहे जाओगे कि हाँ आपने आसन सिद्ध कर लिया या आप का आसन पे कमांड हो गया है। तो उसमें कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, उक्त आसन जो ऊपर आसन है उसमें प्रयत्न की शिथिलता और अनंत, अनंत यहाँ तात्पर्य परमात्मा से लिया गया है, और परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। क्या होता है, यानी कि प्रयत्न की शिथिलता, बिल्कुल प्रयत्न ना लगाना पड़े, इजीली बैठे रहो आप लंबे समय तक, किसी भी स्थिति में हो, विदा एफर्ट, विदाउट एफर्ट, प्रयत्न की शिथिलता और अनंत अर्थात जो आपका इष्ट देव है, जो परमात्मा है, उसमें अपने ध्यान को स्थापित करने से यह आसन सिद्ध होता है। कब सिद्ध होगा, जब आप प्रयत्न की शिथिलता हासिल कर लें, अर्थात उस स्थिति तक, जैसे हम हठयोग की बात कर लेते हैं। ठीक है, हठयोग की बात यदि हम करें तो पद्मासन की बात की जाए तो जब तक हमें पद्मासन लगाते वक्त लगाने में दिक्कत, प्लस उससे वापस आने में दिक्कत, तथा उसे होल्ड रखने में जब तक दिक्कत हो रही है, तो वो आसन सिद्धि नहीं मानी जाएगी। आसन सिद्धि कब मानी जाएगी कि जब आप इजीली कभी भी एनी टाइम लगवा लो और उसे लगाने के बाद आपको सुख की अनुभूति हो, ये नहीं कि प्रेशर और परेशानी महसूस हो, सुख, और आप घंटों, यही ना पता लगे आपको कि इस पोजीशन में, इस स्थिति में आपको कितना समय गुजर गया, ये पता ही नहीं लगे। एक बार बैठा दिया जाए तो बैठे ही हैं,
घंटों गुजर गए, ध्यान ही नहीं गया, इतनी अनुभूति सुख की हो रही है कि कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। तो वो चीज लेके आनी है यहाँ पे, प्रयत्न की शिथिलता हो जाए, कोई प्रयत्न नहीं, कोई नो एफर्ट, और अनंत परमात्मा में मन लगा रहे, जैसे बैठ गए नॉर्मल बैठे और ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तब जाकर के सिद्ध होगा। क्या सिद्ध होगा तब जाकर के? आसन आसन सिद्ध, आसन। आसन सिद्ध होगा। अब बात आती है कि ठीक है जी, आसन सिद्ध कर ले हम, तो उससे फायदा क्या होगा, उसका क्या फल होगा? तब अग्रिम सूत्र में 48 में बताते हैं कि ततो द्वंद्वा निभिगात, आसन के लिए बताते हैं, ये आसन का फल है ये वाला, ठीक है, ये वाला आसन का फल है 48। तो इसका क्या बेनिफिट बता रहे हैं, हठ योग में क्या बेनिफिट बताया गया है आसन का, कोई बताएगा? दृढ़त्व, धैर्यम धैर्यम च लाघवम, लाघवम, वेरी गुड, लाघवम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आरोग्यतम कहा गया है ना, हठस्य प्रथमांग तो आदासनम पूर्वम उच्यते कुर्यात तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। लाघवम, वेरी गुड। पर लेकिन महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ततो द्वंद्वा न विघात, अगर आसन की सिद्धि आपकी हो गई तो आपको क्या होगा, द्वंद्व बोलते हैं शीत उष्ण को, यानी सर्दी और गर्मी जो होती है इनका जब प्रभाव व्यक्ति पे पड़ता है, जब ये चरम पे होती है तो कितना सताती है व्यक्तियों को, साधकों को, जीवों को कितना सताती है, बहुत सारे जीव मर जाते हैं गर्मियों में भी और सर्दियों में, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, उन वो तो मरने ही है। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा साधक जिसने आसन में सिद्धि हासिल कर ली है, उसको सर्दी गर्मी अर्थात ये द्वंद्व नहीं सता सकते, उस पे आघात नहीं कर सकते। समझ में आ पा रहा है क्या फायदा हो रहा है? यस सर, यानी कि सर्दी गर्मी दूर, आसन में सिद्धि प्राप्त करने के बाद, ये नहीं कि थोड़ा सा लगाया आसन बस हो गया, उसमें सिद्धि आ जानी चाहिए, मेच्योर हो जाना चाहिए। किस तरीके से? प्रयत्न की शिथिलता और अनंत समापत्ति से, ऊपर बता दिया गया था कैसे करना है, किस तरीके से सिद्ध माना जाएगा सिद्ध, और तब जाकर के ये बेनिफिट मिलेगा 48 नंबर का, ठीक है। अभी आसन वाला अंग क्लियर हो गया, यहाँ पे तीन सूत्रों में महर्षि ने आसन वाले स्टेप को समेट दिया, यम को समझ लिया, नियम को समझ लिया, और अब एक कोई बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। ठीक है। हाँ, तो एक कोई बोलिए कि आसन से नेक्स्ट अगला वाला स्टेप कौन सा है? प्राणायाम, 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 बहुत बढ़िया। तो जब पूछा जाए खटाक से जवाब आ जाना चाहिए। तो अब हम प्राणायाम की चर्चा गुरु करेंगे। जी एक बार 47 और बता दीजिए यदि हो सके। 47 47 कह रहा है सर कि यहाँ पे 47 जो आसन है, पहले आसन बता दिया कि स्थिर सुखम आसनम, यानी शरीर के बिना हिले डुले सुख पूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। अब ये आसन सिद्ध कब माना जाएगा, तब इस 47 के बारे में कह रहे हैं कि जो आसन है वो सिद्ध कैसे होगा या सिद्धि इसमें कैसे प्राप्त हो सकती है, तब कहते हैं कि प्रयत्न की शिथिलता के साथ और अनंत में समा अनंत समापत्ति के साथ। तो प्रयत्न की शिथिलता से तात्पर्य है कि जो आसन आप लगा रहे हो उसमें शिथिलता होनी चाहिए, यानी ये नहीं कि उसमें इतनी दिक्कत हो लगाने में, आपको उसे रोकने में दिक्कत हो, उससे वापस आने में दिक्कत हो, बिल्कुल नहीं, नो एफर्ट, कोई एफर्ट ही ना लगे, ऐसे ढल जाए वो चीज आपके जीवन में, जैसे कि आपकी नेचुरल हैबिट्स हो जाती है, उस तरीके से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हुई प्रयत्न की शिथिलता, और अनंत समापत्ति से तात्पर्य है कि अनंत यहाँ परमात्मा को लिया गया है और परमात्मा में ध्यान लगाना है, यानी उस आसन में गए और उस ईश्वर में ध्यान लगाया।
इस स्थिति से क्या होगा, तब जाकर के वह सिद्ध माना जाएगा। क्या सिद्ध माना जाएगा? आसन, आसन को तब सिद्ध माना जाएगा जब प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में परमात्मा में ध्यान लगे, मन को लगा सके। ठीक है, ये था इसका अर्थ सर। ठीक है सर, एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार कितने आसन बताए गए या नहीं है, तो इसका क्वेश्चन यही आएगा ना कि एक भी आसन नहीं बताया गया है। ये पहले क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आप निश्चिंत रहो। डालते हैं एग्जाम में, डालते क्योंकि कुछ ऐसे लोग आपको बेवजह पागल बनाने वाले कुछ लोग होंगे जो आपको वैसे करें, बाकी आप खुद पढ़ रहे हो मूल टेक्स्ट, बेवजह किसी ने ऐसे ही लिख दिया या किसी की बातों की सुनी हुई में ना जाएं, आप मूल टेक्स्ट देखें। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक स्थिति के बारे में बताया है महर्षि ने, ना ये बताया कि पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, जो हठयोग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन बताए गए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक और एक बैठने की स्थिति, आपकी एक सुख पूर्वक बैठने की स्थिति के बारे में ही चर्चा की गई है, बिना हिलन डुलन वाली स्थिति, एक स्थिति के बारे में ही चर्चा की गई है। सर व्यास भाष में ऐसे पूछा जाता है सर क्वेश्चन? क्या पूछा जाता है सर? एंटी वाले व्यास भाष में ऐसे भी पूछ लेते हैं क्या क्वेश्चन पतंजलि? हाँ, से बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, काफी आते हैं व्यास भाष से, क्योंकि वो व्यास भाष्य एक्चुअली पतंजलि पे योग दर्शन पे कमेंट्री बहुत फेमस है उनकी। ठीक है, उसमें से आते हैं, चित्त भूमिया वगैरह आपको पढ़ाई जाएंगी तब वो आपको बताया जाएगा, व्यास भाष्य में ही इन चीजों की चर्चा है। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया, आगे बढ़े। जी गुरु जी, अब अग्रिम स्टेप था प्राणायाम, आप लोगों ने बताया कितने नंबर का अंग है प्राणायाम, बताओगे एक बार? चौथे नंबर का, वेरी गुड। तो प्राणायाम के बारे में बताते हैं, प्राणायाम का लक्षण क्या है, किसे प्राणायाम कहते हैं? तो महर्षि कहते हैं तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, यानी तस्मिन सति, तस्मिन सति से मतलब है कि तस्मिन मतलब ऊपर वाले में सिद्धि होने के बाद, यानी कि ऊपर वाला क्या था? आसन, आसन। तो आप ये समझिए कि आसन में सिद्धि होने के बाद, बहुत से लोग हम लोगों में, बहुत सारे लोग हम लोग क्या करते हैं कि आसन नहीं करते या आसन का अभ्यास नहीं करते, उससे पहले प्राणायाम करते हैं। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार ये बिल्कुल गलत है कि आप आसन से पहले प्राणायाम करो। वो कह रहे हैं कि तस्मिन सति, पहले आसन में सिद्धि प्राप्त करो, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो क्या कह रहे हैं प्राणायाम के बारे में, कि आसन में सिद्धि प्राप्त करने के बाद श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास अर्थात इनहेल और प्रश्वास अर्थात एक्सहेल। श्वास मतलब प्राण वायु को अंदर भरना और प्रश्वास मतलब प्राण वायु को बाहर छोड़ना, इसका गति विच्छेद होना, यानी उसकी गति का रुक जाना। अभ्यास करते करते साधक ऐसी अवस्था पर पहुंच जाता है कि उसकी सांस की और प्रश्वास की गति रुक जाती है, उसकी लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकता है साधक। तो उस अवस्था को क्या कहा है? प्राणायाम। किस अवस्था को? आसन में सिद्धि प्राप्त करने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाने की अवस्था, श्वास और प्रश्वास की गति की रुक जाने की अवस्था को प्राणायाम कहा है। यानी कब उसकी श्वास अंदर भरी हुई है, रुक गई है, कब उसकी बाहर है, कब भरा, कितनी देर से भरी है, नहीं भरी श्वास, कितनी देर से छोड़ी है, नहीं छोड़ी है, बस उसकी श्वास प्रश्वास रुक गया है। जब लंबे समय तक जो ध्यान करते हैं ना योगी लोग, वो ध्यान में बैठ जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक श्वास रोक सकते हैं और रुक जाती है उनकी, खुद भी इतनी कमांडिंग हो जाती है ब्रीदिंग पे। प्राण गति विच्छेद का अर्थ सर यहाँ इससे है कि जैसे ध्यान में बैठे हैं तो ना श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं।
जो अच्छी कमांड पा लेते हैं उनका नेचुरल भी होता है, वो ध्यान में ना भी बैठे हों तो भी उनका कभी कभी श्वास रुक जाता है। और श्वास रुकने से मतलब ये नहीं कि बस श्वास रुकी और उनकी राम नाम सत हो गई सीधी वही सर के मतलब जितनी भी अवस्था में वो बैठे हैं तो सांस पे उनका फोकस ही नहीं है। बस, यानी कि उनकी जो श्वासें हैं वो श्वासें, ये मान लो हर एक हम लोगों में, ये हमारे शास्त्रों का भी कहना है कि एक निश्चित श्वास लेके आए हैं सब। जो जितनी जल्दी श्वास खर्च कर लेगा उसे उतनी जल्दी शरीर को छोड़ना होगा। जिसकी श्वासें जितनी लंबी होंगी, लंबे समय तक चलेंगी, वो उतनी ही लंबी आयु जिएगा। क्यों कहते हैं कि योगी लोग इतनी साल जीते हैं, 100 100 साल पार कर जाते हैं इजीली, आराम से 150 150 साल तक भी जी जाते हैं। उनका सिर्फ अपनी श्वासों पे कमांडिंग हासिल कर लेना, कि उनकी जो श्वास की गति होती है सामान्य पुरुषों की गति से कई गुना लंबी होती है। सर इसमें हम कुत्ते का और कछुए का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, बहुत सारे हैं। आप खुद ये समझिए सिर्फ और सिर्फ कि यहाँ प्राणायाम किसको कहा गया है, कि श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद हो जाने को। और श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद अभ्यास से होता है। ठीक है, पहले तो अभ्यास ऊपर के दो तीन अंग, यम नियम और आसन सिद्ध करने होंगे, फिर उसके बाद आप श्वासों पे कार्य करना शुरू करोगे, अपनी प्राण वायु पे कार्य करना शुरू करोगे, तब जाकर के आपको ये स्थिति प्राप्त होगी और इस स्थिति को प्राणायाम कहा जाएगा। ओके, क्लियर है? गुरु आगे जी बढ़े। ये स्थिति को हम कुंभक कह सकते हैं क्या, गति विच्छेद देखिए अभी आगे कुंभक चलिए, के? आगे थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। कुंभक, अभी प्राणायाम को हालांकि हठ योग में कुंभक ही कह के बुलाया गया है। एक्चुअली हठ योग में, हठ योग प्रदीपिका वगैरह और जो ग्रंथ देखोगे उनमें अष्ट कुंभका कह के कहा गया है, अष्ट प्राणायाम कह के नहीं बोला गया, अष्ट कुंभका बोला है ना, बोला है। हाँ जी, यस सूर्य सर। वेदन मुज्जायी शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा भ्रामरी पलावी मूर्छा अष्ट कुंभका। अष्ट कुंभका, तो वहां कुंभक कह के कहा गया है, तो इसे कुंभक बोलते हैं प्राणायाम को निसंदेह। पर अब देखते हैं कि अग्रिम सूत्र में देखिए आसन के कोई टाइप्स की चर्चा महर्षि ने नहीं की, लेकिन यहाँ प्राणायाम के टाइप की चर्चा अवश्य कर रहे हैं कि इनके अनुसार प्राणायाम कितने प्रकार का है। तो उसके लिए कह रहे हैं बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। अब कौन कौन सी बाह्य, यानी कि बाह्य नाम की एक एक अभ्यंतर एक्सटर्नल स्तंभ वृत्ति, एक बाह्य वृत्ति और अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, तीन टाइप के प्राणायाम। और वो भी यहाँ सीधा कहा जा रहा है कि देश और काल संख्या द्वारा भली भांति देखा जाता हुआ हो, जिन्हें देश काल क्या होगा, संख्या क्या होगी, उसके अनुसार उन्हें भली भांति से देखा जा सके, और दीर्घ और सूक्ष्म लंबा और हल्का होना उनका, इस चीज को भी देखा जाए, तब जा इस टाइप से वे यहाँ पे तीन टाइप रख दिए। कौन कौन से? बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। ऐसे तीन प्रकार का होता है तथा देश काल और संख्या द्वारा भली भांति देखा जाता हुआ हो जिसे, और वह लंबा और दीर्घ सूक्ष्म, मतलब दीर्घ मतलब लंबा, सूक्ष्म मतलब हल्का छोटा होता है, हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बाह्य वृत्ति से क्या तात्पर्य है। एक्चुअली बाह्य वृत्ति से तात्पर्य है प्राण वायु का बाहर रुक जाना। वहां देखा था ऊपर हमने गति विच्छेद, श्वास और प्रश्वास गति विच्छेद, श्वास का और प्रश्वास का गति विच्छेद हो जाना या उनका रुक जाना। अब बाह्य वृत्ति में क्या देख रहे हैं कि श्वास का बाहर रुक जाना। श्वास क्या है? बाहर रुक गई है। इस अवस्था को बाह्य वृत्ति कहा जा रहा है। जैसे बाह्य मतलब बाहर, श्वास का बाहर रुक जाना बाह्य वृत्ति। इसको रेचक नाम से भी जाना जाता है। यदि हठयोग से रिलेट करें तो विद्वानों ने इसे रेचक की संज्ञा दी है। किसको? कौन सी वाली को रेचक की संज्ञा दी है?
बाह्य वृत्ति को, ठीक है। ये क्लियर होगी है बाह्य वृत्ति आप लोगों को क्या है कि श्वास का बाहर की तरफ रुक जाना। एक्चुअली विषय वैसे इसे बाह्य कुंभक नाम भी दिया जाता है कि श्वास को बाहर निकाल के रोक देना, लेकिन यहाँ रेचक माना गया है, ठीक है। अब आता है आभ्यंतर। आभ्यंतर से तात्पर्य होता है आंतरिक, और आभ्यंतर मतलब श्वास करके। ये था प्रश्वास करके और ये है श्वास करके, यानी श्वास अंदर भरी हुई है और रुक गई, ठीक है। इस स्थिति को क्या कहा गया है? पूरक कहा गया है। इसको रेचक और इसको पूरक, ओके। और अब स्तंभ। स्तंभ वृत्ति से तात्पर्य है कि जो जहां है, बाहर है तो बाहर, अंदर है तो अंदर, वहीं पे स्तंभित हो जाना। इसको क्या कुंभक बोला गया है, इसको क्या नाम दिया है? कुंभक। तो रेचक, पूरक, कुंभक, ठीक है। तीन प्रकार हो गए ये, रेचक, पूरक और कुंभक। अब इसमें क्या क्या और देखा जाना है, देखना है इसमें देश देखना है, काल देखना है और संख्या देखनी है। तो देश और काल संख्या से क्या तात्पर्य है, क्या समझे हम? तो देश से तात्पर्य होता है कि देखिए आगे हम एक ग्रंथ पढ़ेंगे वशिष्ठ संहिता, उसमें जाकर के ना श्वास के बारे में स्वर विज्ञान की बहुत चर्चा की गई है कि हमारी श्वास इतने दूरी तक जाती है, उसकी दूरी 9 अंगुल, 12 अंगुल, 14 अंगुल इस तरीके से बताई गई है। तो यानी कि देश किस स्थान तक पहुंच रही है, ठीक है। एक ये देखना कि हमारी जो श्वास है या प्रश्वास है वो किस स्थान तक पहुंच रही है, उस चीज को परिदृष्ट मतलब देखना, ठीक है। अब काल कितने समय तक बाहर है या कितने समय तक श्वास अंदर है, इस चीज को निश्चित करना या इसको देखना। और संख्या से तात्पर्य है कि यदि जितने समय तक हमारी श्वास बाहर थी उसमें नॉर्मल श्वासों की कितनी संख्या होती है। एक होता है ना नॉर्मल काउंटिंग होती है कि मैं 1 मिनट में यदि 15 टाइम श्वास ले रहा हूं तो 1 मिनट में श्वास रोकूंगा तो क्या कहूंगा कि मैंने 15, मेरे जो संख्या थी श्वासों की जो रोकने की, मैंने 15 श्वासों को करीब रोका, यही तो कहा जाएगा ना। जी गुरु जी। जी सर। तो देश काल संख्या भी परिदृष्टो इसके द्वारा देखी जाए, ये भी ध्यान देना है हमें। क्या ध्यान देना है? कहाँ जाके रुक रही है श्वास, कितने समय तक रुक रही है, और जितने जहां जाके रुक रही है जितने समय में उतने समय में उसकी कितनी संख्याएं बनती हैं, इस चीज को देखना है। तथा उसके साथ साथ दीर्घ सूक्ष्म, और वो जो है कैसी होगी, दीर्घ और सूक्ष्म अर्थात उसमें लंबाई और हल्कापन बढ़ता चला जाएगा। इसके अभ्यास करने से वो लंबी होगी और हल्कापन मतलब सूक्ष्म भी होती चली जाएगी, ये अभ्यास इसका प्राप्त होगा। आपको ये तीनों टाइप क्लियर हो गए हैं सभी को? थोड़ा से और बता दीजिए गुरु जी। देखिए सर इसमें सबसे पहले देश का समझ भी नहीं है, देश तीन टाइप आप ये समझिए, बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ। हठ योग में हमने जो रेचक है उसमें क्या करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो श्वास को बाहर छोड़ के रुकना यहाँ बाह्य वृत्ति कहा गया है। श्वास को अंदर भर लेना उसको क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं हठ योग में। तो यहाँ उसे आभ्यंतर वृत्ति कहा गया है। कुंभक से मतलब है कि श्वास अंदर हो या बाहर हो उसे रोक देना, श्वास वहीं पे रोक देना, इसे क्या कहा गया है, कुंभक, ठीक है। अब उसमें क्या होना है कि उसमें भी क्या क्या देखना है, देश काल और संख्या देखनी है। देश से तात्पर्य यहाँ पे हम ले लिया है कि जो श्वास की लेंथ होती है ना, स्थान कितने स्थान तक, कितनी दूरी तक,
पहुंच रही है और जितनी दूरी तक पहुंच रही है उसमें काल कितने समय तक वहां रुक रही है, वो श्वास कितनी देर तक होल्ड हो पा रही है, अंदर हो चाहे वो बाहर हो, ठीक है, दोनों के लिए बोला गया है। अब जितने समय तक वो रुक रही है श्वास, होल्ड की जा रही है, उसमें नॉर्मल श्वासों की संख्या कितनी होती है। जैसे नॉर्मल हम वैसे हम जानते हैं कि एक मिनट में मैं 15 श्वास लेता हूं नॉर्मली, यदि मैंने एक मिनट श्वास रोक लिया तो मैं कह सकता हूं कि मैंने 15 संख्या तक यानी 15 श्वासों को रोका, ठीक है। अब इसमें ये इसके अभ्यास से दीर्घ यानी लंबी होंगी और सूक्ष्म अर्थात हल्की तथा और छोटी होती चली जाएंगी, बारीक उसके पतलापन आता चला जाएगा श्वास में, ठीक है। यस सर, प्लीज। अब अग्रिम बात करते हैं, वो एक और चौथे प्राणायाम को भी एक्सेप्ट किया है और चौथा एक विशेष प्रकार का प्राणायाम है, इसीलिए यहाँ चतुर्थ अलग से लाके रखा गया, नहीं तो इसको भी वो वहां डाल सकते थे, महर्षि उन्हीं के साथ में दे सकते थे ऊपर वालियों के साथ में, लेकिन इन्होंने इसे ऊपर वालियों के साथ में नहीं दिया। इन्होंने कहा बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, जो चौथी कौन सी है, किस अवस्था को कहते हैं ये चौथी प्राणायाम, ये चौथी प्राणायाम कह रहे हैं कि बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से, जब बाहरी विषय और भीतरी विषय उन विषयों का जब त्याग हो जाएगा तो अपने आप होने वाला जो प्राणायाम है अपने आप अर्थात उसे केवली कुंभक भी यहाँ पे बहुत सारे साधुओं ने या बहुत सारे महापुरुषों ने विद्वानों ने एक्सेप्ट किया है, केवली कुंभक नाम दिया है, यानी वो स्वतः अपने आप लग जाएगी, उस अवस्था को प्राप्त कर जाएगा साधक कि उसे लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, उसे प्राणायाम को करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने आप कुंभक में चला जाएगा, प्राणायाम में उसमें चला जाएगा। कब? जब उसके बाहरी और भीतरी विषय दूर हो जाएंगे या जब वह अपने बाहरी और भीतरी विषयों का त्याग कर चुकेगा तब, तो उस अवस्था को चौथा प्राणायाम कहा गया है। तो इसका नाम पता है क्या बोलते हैं? बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाली अवस्था क्लियर होगी आपको, चौथे चौथा वाला प्राणायाम। तो आपसे कोई क्वेश्चन करता है यदि कि महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम के कितने भेद हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? चार। चार। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं, वैसे तो क्वेश्चनिंग का समय हो गया है, एक्चुअली पिछले कक्षा की भी क्वेश्चनिंग रह गई थी और इसमें भी क्वेश्चनिंग करनी है। ये प्राणायाम के अभी फल रह रहे हैं, बेनिफिट देख लें इसके, वैसे छोटे से ही बेनिफिट देख लेते हैं। तो इसका परिणाम या इसका फल क्या कह रहे हैं प्राणायाम का, थोड़ा सा लेट चलेगी आज कक्षा, एक्चुअली कौशल सर की कक्षा नहीं है और हम थोड़ा क्वेश्चनिंग के लिए समय देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो गुरु जी। नो सर। अब प्राणायाम का पहले तो स्वरूप बता दिया कि श्वास प्रश्वास की यानी उसकी गति का रुक जाना प्राणायाम है, फिर उसके टाइप्स बता दिए, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी, चार टाइप के टाइप्स बता दिए। अब उसका फल बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, वह क्या करता है या उससे इससे प्राणायाम के अभ्यास से, यदि जो साधक प्राणायाम का अभ्यास करेगा उसके प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाएगा, प्रकाश का आवरण अर्थात ज्ञान का आवरण, जो ज्ञान है उसका, ज्ञान क्या है, ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है जिस वजह से हम लोग भ्रम में अज्ञान में फंसे रहते हैं, और जो साधक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनके ज्ञान के ऊपर जो पड़ा हुआ आवरण है, जो चादर है जिससे वो ज्ञान ढका हुआ है, वो चादर हट जाती है, किसके अभ्यास से हटती है? प्राणायाम के। तो ये क्वेश्चन बनेगा, आते हैं निम्नलिखित में से किसके अनुसार ज्ञान पे पड़े आवरण का आवरण क्षीण हो जाता है या ज्ञान पे पड़ा चादर दूर हो जाती है,
तो ऑप्शन होंगे पतंजलि, स्वात्माराम, योगी श्रीनिवासा या गोरक्षनाथ। तो आपका आंसर क्या होगा? पतंजलि जी। पतंजलि। तो ऐसे अब इसका एक बेनिफिट ये बता दिया कि अज्ञानता को दूर करेगा ये, यानी कि ज्ञान के ऊपर जो चादर पड़ी हुई है या जिससे ज्ञान ढका हुआ है उसे हटा देगा, तो यानी कि अज्ञान दूर हो जाएगा, उसके ऊपर अज्ञान है, अज्ञान दूर हुआ, ज्ञानवान हो जाएगा वो साधक। ठीक है, अब दूसरा बेनिफिट कहते हैं धारणाशु के योग्यता मनसा। अब उस साधक को उसका मन या उसके लिए कौन सी योग्यता आ जाएगी? धारणा की। किसके लिए? उस साधक के लिए जो प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त करेगा, उसके लिए धारणा करने का मन तैयार हो जाएगा। यानी जो वो साधक होता है ना, एक प्री प्रिपरेशन कहते हैं ना, कहीं कुछ स्टार्ट करने से पहले, कहीं जाने से पहले हम तैयारी करते हैं, कहीं जा रहे हैं बैग तैयार कर रहे हैं, तो बैग तैयार हो जाएगा कहीं जाने के लिए। यानी इसके अगला जो आगे धारणा आएगी, धारणा क्या है वो आगे बताया जाएगा अगले चैप्टर में, पहले ही सूत्र में बता दिया जाएगा उसको, तो उसके लिए मन तैयार हो जाएगा। किससे? प्राणायाम के अभ्यास से। इसके दो बेनिफिट बता दिए हैं। ठीक है, धारणा के लिए मन का तैयार होना या मन की योग्यता प्राप्त होना, तथा ऊपर जो था ज्ञान का आवरण छीण होना। ठीक है, ये जो दोनों बेनिफिट किसके हैं? प्राणायाम के। अभी प्राणायाम तक क्लियर हुआ। इसी चैप्टर में एक अगला स्टेप प्रत्याहार और है, दो सूत्र और हैं, चाहे तो अभी पूरा कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चनिंग रखना चाहो आप लोगों को ज्यादा हो। करा दीजिए सर, करा दीजिए सर, करा दीजिए। अगर सभी को ओवन नहीं हो रहा हो, ये ना हो, दिक्कत ना हो, तो इस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं, नहीं तो आपके। नहीं सर, कर दीजिए, करने के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हमारी क्लास नहीं है, करा दीजिए। थोड़ा लेट तक आपको रुकना होगा। ठीक है, अब अगला क्या है? उसके प्राणायाम के बाद अगला स्टेप कौन सा आता था? प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या है, इसके स्वरूप के बारे में महर्षि कहते हैं 54 नंबर के सूत्र में। ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रत्याहार का स्वरूप किस नंबर के सूत्र में या किस चैप्टर में वर्णन मिलता है, तो आपको इनके सीक्वेंस नंबर याद रहना जरूरी है। ठीक है, तो उसमें कहते हैं स्वविषया असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। तो इसके बारे में बोलते हैं महर्षि सीधा कि स्व विषय मतलब अपने विषय, स्व मतलब अपना विषय, यानी विषय जितने भी हमारे विचार शक्ति या जितने भी अटैचमेंट हैं वो, तो अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर, असंप्रयोगे उनसे डिटैच हो जाने पर, किससे? अपने विषयों से डिटैच हो जाने पर। असंप्रयोग एक होता है संप्रयोग अर्थात उनसे मिलना, असंप्रयोग मतलब उनसे दूर होना। तो अपने विषयों के संबंध से या अपने विषयों से दूर हो जाने पर चित्त स्वरूपानुकार, चित्त का क्या होगा? चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना, जो जितने भी विषय हैं, जो जितने भी विषय हैं जो बाहर की तरफ भागते हैं, वो आकर के चित्त में तदाकार हो रहे हैं, चित्त के स्वरूप जैसे हो गए, जैसा चित्त है वैसे विषय हो गए, अब वो अलग नहीं रह रहे। ठीक है, उसके साथ साथ इंद्रियाणाम, इंद्रियों के, यानी ये जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा जो हो रहे हैं, जो इंद्रियों के जो विषय, इंद्रियों के विषय का चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना या चित्त के स्वरूप को हासिल कर लेना प्रत्याहार है।
समझ में आ पाया? इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, बाहरी जो भी विषय हैं, उनका बाहर से डिटैचमेंट होकर के अंदर की तरफ चित्त में लगा और चित्त के स्वरूप में वो विलीन हो गए, तदाकार हो गए, एक रूप हो गए। बाहर से पानी आया, दूध में मिला और दूध के रंग का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बाहरी इंद्रियों के विषय आए, चित्त में मिले, चित्त जैसे हो गए। इस अवस्था को क्या कहा गया है? बाहरी विषयों का अपने या इंद्रियों के विषयों का अपने चित्त में या चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना या चित्त के स्वरूप में एकाकार हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों के विषय का चित्त में एकाकार हो जाना, चित्त के चित्त स्वरूपानुकार, चित्त के स्वरूप में एकाकार हो जाना प्रत्याहार कहलाता है, ठीक है। कुल मिलाकर के क्या है, कहीं ना कहीं हल्की वैराग्य वाली स्थिति के उसमें भी हम देखे और सुने विषयों को दूर करके अंदर की तरफ लाते हैं चित्त को, और इसी तरीके से यहाँ पे भी जो इंद्रियों के विषय हैं उन्हें भी अंदर की तरफ समेट के लेके आना है और वो चित्त के स्वरूप में एकाकार हो जाएंगे, उस अवस्था को प्रत्याहार कहा जाएगा। आपको ये क्लियर हो गया डेफिनेशन? सर चित्त का स्वरूप को थोड़ा बताइए। अब चित्त का स्वरूप क्या है? चित्त का स्वरूप, चित्त का मतलब क्या था? मन बुद्धि अहंकार। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारा बाह्य रूप है, आंखें है, ये हमारी चक्षु इंद्रिय है, नासिका है, घ्राण इंद्रिय है। अब इनके विषय क्या हैं? आंखों का क्या विषय है? देखना। नाक का क्या विषय है? सूंघना। और जिभ्या का विषय क्या है? टेस्ट लेना, रस लेना। अब इनके जो विषय हैं वो जाकर के मन में मिल गए, मन का स्वरूप धारण कर लिया उन्होंने, अर्थात वो चित्त बन गए, चित्त जैसे हो गए, यानी वो बाहर की बजाय अब अंदर ही घुस गए। समझ पा रहे हो आप? इस अवस्था को चित्त स्वरूपानुकार, और जो मन था वो धीमे धीमे अपने कारण अहंकार में विलीन होने लग गया। इस अवस्था को प्रत्याहार कहा जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। सर एक बार और बोल दीजिए ना। देखिए यहाँ पे इंद्रियों के विषयों का चित्त में एकाकार होना या चित्त के स्वरूप में एकाकार होना कहा गया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंद्रियां कौन सी हैं, क्योंकि इवेंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम की बात कही गई है। तो इंद्रियां कौन कौन सी हैं? पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां आंख है, नाक है, कान है, जीभ है और हमारी त्वचा है। और इनके विषय क्या है? आंख का विषय क्या है? देखना है, नाक का सूंघना, जिभ्या का रस लेना, कान का सुनना और हमारी जो त्वचा है उसका महसूस करना। यही तो विषय है ना इनके। अब इन विषयों के चित्त में मिल जाना, और चित्त क्या होता है? चित्त का पहले जब कक्षा चली थी, चित्त का मतलब था मन और बुद्धि अहंकार, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। इन तीनों की एकत्र अवस्था को चित्त कहा है। तो ये किस में जाके विलीन होंगे? अपने कारण में, चित्त में। ये इंद्रियों के विषय मन के साथ सीधा अहंकार में विलीन हो जाएंगे। आपको वो चार्ट दिखाया गया था ना, कौन से तत्व से कौन सा उत्पन्न हो रहा है, जो जिससे उत्पन्न हो रहा है वो वापस प्रति पर सब उसी में चला जाए, उसी को चित्त स्वरूपानुकार कहा जा रहा है, ठीक है सर। हम ऐसा भी कहा जा सकता है ना कि भटके हुए मन को वश में कर लेना, यानी मन के विरुद्ध जाना, यह प्रत्याहार कहलाता है। कुल मिलाकर के
काम तो वही होगा, क्योंकि लौट फेर के हमारा जो चित्त के जो विषय हैं वो तभी अंदर की तरफ जाएंगे जब हमें उस पे कंट्रोल करना होगा। कुल मिलाकर के यहाँ आपको यही सोचना है कि ये जो है जितने भी बाह्य विषय हैं इंद्रियों के, इनका अंदर चित्त में मिला देना, इनको ले जा करके अंदर चित्त में एकाग्र कर देना, इकट्ठे कर देना। इस अवस्था को प्रत्याहार कहा है। ठीक है, जी कंटिन्यू सर। है अब भी बड़े आगे की क्लियर है। जी, अब इसका फिर फायदा क्या होगा? अगले में फायदा बताते हुए इस चैप्टर का, इस पाठ का समापन करते हैं महर्षि। तो उसमें कहते हैं कि ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम, ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम। भाई उसमें हमने क्या किया था? इंद्रियों को विषय, इंद्रियों के जो विषय थे उनको चित्त में मिला दिया था ले जाके। अब इसका फायदा भी वही हो रहा है कि उस प्रत्याहार से क्या हो जाएगा? परमावश्यतेन्द्रियाणाम, परम वश्यता हो जाएगी। परम वश्यता अर्थात हमारे हाथ में हो जाएंगे कौन? इंद्रियाणाम, इंद्रियों पे परम वश्यत्व हो जाएगा, इंद्रियां सारी हमारी वश में हो जाएंगी। किसका अभ्यास करने से? प्रत्याहार 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 का अभ्यास करने से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। ठीक है, ये इसका फल योग दर्शन के अनुसार है। कोई हठयोग के अनुसार बताएगा कि प्रत्याहार का फल क्या है? नहीं, हठयोग में एक्चुअली विशेष रूप से आपको धैर्य धैर्य वेरी गुड, धीरता। प्रत्याहारेण धीरता। किसने बोला प्रत्याहारेण धीरता? ऋतु आपको कौशल सर ने ना हिरण्य संहिता पढ़ाई होगी, हिरण्य संहिता में उसमें बताया होगा सठ कर्मणा शोधनम च आसनेन भवैदृढ़म मुद्रया यस। स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, धैर्य आता है उससे। बहुत अच्छा, तुषार बालाजी अच्छा बताया। ठीक है, तो अभी आज हम इस तरीके से हमने सेकंड चैप्टर समाधि पादो नाम, सॉरी साधन पादो नाम, समाधि पाद तो पहले ही हो गया, ये साधन पाद नाम का जो द्वितीय अध्याय है उसका हमने समापन कर लिया है। मैं चाहूंगा कल आप पूरे चैप्टर से जिसकी जो जो समस्या हो उन समस्याओं को रख लेना, और आज अब कोई डाउट आज की कक्षा को लेके ना हो तो हम क्वेश्चनिंग रखते हैं, बाकी और जो डाउट होंगे वो अग्रिम कक्षा में भी ले लिए जाएंगे। और उसके साथ साथ इसके बाद थर्ड चैप्टर की सूत्र चैंटिंग कुछ दिन चलेगी, फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन वाले बिंदु पे जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चनिंग शुरू सर, करें। लोग तैयार हैं तो मैसेज करिए। संप्रयोग और असंप्रयोग अर्थ क्या है? संप्रयोग मतलब अटैचमेंट, असंप्रयोग मतलब डिटैचमेंट, जुड़ना और दूर होना। संप्रयोग अर्थात जुड़ रहे हैं किसी के साथ, असंप्रयोग अर्थात उससे दूर हो रहे हैं। ठीक है, जी सर। मीरा किशोर जी क्लियर है? हाँ सर, धन्यवाद सर। नमस्कार। चलिए मैसेज करिए, आप लोग क्वेश्चनिंग के लिए तैयार हैं तो फटाफट सब मैसेज करें, कल की और आज की दोनों की क्वेश्चनिंग होनी है। सभी लोग टाइप करिए, प्रत्येक जीव किस साधक के समक्ष अपने बैर भाव को या अपनी
कहें हम बैर भाव या हिंसा को त्याग देता है किस साधक के समक्ष? बहुत अच्छे कमल बाबरा मैम, बताइए किस साधक के समक्ष प्रत्येक जीव अहिंसा बोलने से नहीं होता, अहिंसा को अहिंसा में दृढ़ स्थित साधक, ठीक है जी जी सर। अग्रिम क्वेश्चन है कि अहिंसा में दृढ़ स्थित होने वाले साधक को क्या फल प्राप्त होता है? पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है, क्वेश्चन वही है उसी से है। तो क्या फल मिलता है उसे जिस जो अहिंसा को धारण कर लेता है या दृढ़ हो जाता है उसको? समित पॉल जी कह रहे हैं, समित पॉल जी माइक खोल के बताइए। वैर त्याग, वैर त्याग यानी कि कोई भी जीव उसके सामने आकर के बैर नहीं करेगा उससे, उस पे आघात नहीं कर सकता चाहे वो कितना भी बड़ा हिंसक हो, ठीक है। अग्रिम सूत्र, किसी को जो वरदान दिया वो वरदान बिल्कुल सत्य हो जाना या सत्य हो गया, ये किसके परिणाम से हुआ, किस पे दृढ़ स्थिति प्राप्त होने से हुआ? गौरव पंडित जी बताइए, गौरव पंडित सत्य। बहुत बढ़िया, यानी सत्य में प्रतिष्ठित होने पे क्या होगा कि जो जैसा बोलेगा, एक्चुअली वर्ड आएगा यहाँ पे कि क्रियाफल, क्रियाफल की प्राप्ति किस में स्थित होने पर होगी, इस तरीके से आएगा, क्योंकि वो ज्यादातर मूल टेक्स्ट के वर्ड ही लेने की कोशिश करते हैं। तो क्रिया फल की प्राप्ति किस लिम्स में या कौन से यम में दृढ़ स्थित होने पर प्राप्त होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? वेरी गुड, अग्रिम क्वेश्चन, जो पृथ्वी में जितने भी छुपे हुए रत्न हैं वो कौन से साधक के समक्ष उजागर हो जाएंगे, किस साधक को दिखने लग जाएंगे, बताइए। जय कृष्ण पाडिया सर बताइए आप। हेलो, जय कृष्ण पाडिया सर, अस्तेय में प्रतिष्ठित साधक को क्या होगा कि जो पृथ्वी में जो भी रत्न छुपे हुए हैं वे दिखने लग जाएंगे, उसके सामने उजागर हो जाएंगे, ठीक है। अग्रिम क्वेश्चन, अपूर्व शक्ति मन की, शरीर की, इंद्रियों की किस से प्राप्त होती है, किसे धारण करने से प्राप्त होगी? मनोज पाल जी, मनोज पाल सर, सब मैंने टाइप कर दिया, ब्रह्मचर्य से होगा सर, ब्रह्मचर्य जी एक्चुअली फिर बाद में जब देख के नकल मारने की कोशिश के सामने टाइप होके कुछ और आया, जल्दी जल्दी हो गया सर, मुझे लगा वो कुछ हो गया। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब आता है पूर्व जन्म का ज्ञान कौन सी सिद्धि से प्राप्त होगा, क्या चीज में सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी तब आपको पूर्व जन्म का ज्ञान होगा? बहुत अच्छे, प्रमिला मिशल जी बताइए। सर अपरिग्रह। वेरी गुड, जानना चाहूंगा कि दूसरों के साथ आसक्ति न रखने की इच्छा किस चीज से या कौन से अंग में दृढ़ स्थिति प्राप्त करने से होगी?
पिंटू परमार, पिंटू परमार जी 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 सर, इसमें जो सोच। तो एक चीज और बता दीजिए कि ये तो था कि दूसरों से आसक्ति न रखना, अपने अंगों में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाना, किससे होगा ये, किससे होगा पिंटू जी? अपना अंतकरण की शुद्धि से करने नहीं, से। मैंने कहा कि अपने अंग, शरीर के अपने अंगों में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाना, ये किस चीज से होता है फिर? हाँ जी मिंटू जी। जी सर, सर ये कल क्लास में ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहा सर इसमें। हाँ जी समित पॉल जी। सर सोच, बाहरी सोच ऐसे बोलता बोला जाता है, बट खाली अपनी सोच बोलने के लिए बोला था। हाँ तो ये भी सोच से ही आपको क्या उत्तर देना है कि दूसरों से अटैचमेंट की इच्छा दूर होना एवं अपने ऑर्गन्स में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाना, दोनों ही सोच के बेनिफिट हैं। ठीक है, अब मैं जानना चाहूंगा अंतःकरण की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रिय वशित्व, और उसके साथ साथ एक और चीज है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन, यस, ये सभी की सभी चीजें किस चीज से प्राप्त होती हैं? किससे बताइए बताइए? प्रतिभा श्रीवास्तव। सर सोच से। मुख्य रूप से इस वाली सोच को ना आंतरिक सोच, आंतरिक सोच मानते हैं जी। अब अग्रिम आता है, संतोष को धारण करने से क्या प्राप्त होता है? मुझे संस्कृत टेक्स्ट में ही आंसर चाहिए जो दिया गया है, उस टाइप का आंसर करना है आपको। प्रीति पाटिल मैम करिए। सुख लाभ। अनुत्तम सुख लाभ, पूरी बात बोलनी है, केवल सुख लाभ मतलब गुड, लेकिन अनुत्तम बोला गया है, गुड गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट वाली बात नहीं भूलनी, ठीक है? तो अनुत्तम सुख लाभ। नेक्स्ट वन, शरीर और इंद्रियों की शुद्धि किससे होती है, किसे धारण करने से होती है शरीर और इंद्रियों की शुद्धि? पूजा गौर मैडम बताइए आप। तपा। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अपने जो स्वाध्याय का क्या फायदा है, स्वाध्याय करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, जल्दी जल्दी बताइए, टाइप करिए स्वाध्याय। निगम DSSV, बताइए क्या होगा स्वाध्याय करने से? सॉरी बताइए। हाँ जी, के दर्शन, अपने इष्ट देव के दर्शन हो जाएंगे, बहुत अच्छे, इष्ट साक्षात्कार हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्ड आएगा इष्ट देवता संप्रयोग। जी सर। समाधि की सिद्धि किससे होगी? टाइप करिए। और राजेश्वर दास जी बताइए, समाधि की सिद्धि किस चीज से प्राप्त होगी? ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान, बहुत बढ़िया। अग्रिम स्टेप, बिना हिलन डुलन के सुखपूर्वक बैठने को क्या कहा गया है? टाइप करिए सभी लोग। और रानी जैन मैम बताइए। सर स्थिर सुखम आसनम।
यानी कि उसे आसन कहा गया है। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सर। अग्रिम क्वेश्चन इसी में कि आसन सिद्ध कब होगा, बताइए, टाइप करिए कब होगा आसन सिद्ध। यदि आसन में सिद्धि प्राप्त करनी है तो आसन सिद्ध कब होगा। वहा वेरी गुड, आयुषी सिंह, आयुषी सिंह माइक खोल के बताइए सभी को। यस सर, प्रयत्न की शिथिलता और अनंत यानी जो हमारे परमात्मा है उनसे मिलन, उसमें ध्यान लगाने से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अग्रिम है आसन का बेनिफिट टाइप करिए सभी लोग, क्या होगा, क्या फायदा होगा आसन में जो दृढ़ स्थिति प्राप्त कर लेगा उसको। द्वंद से तात्पर्य क्या है, टाइप करेंगे सभी लोग, द्वंद से क्या समझें। स्मिता वर्कल बताएंगे कि द्वंद से क्या समझते हैं। जी सर, गर्मी और सर्दी, शीत उष्ण आदि जो से जो होने वाले कष्ट हैं उन्हें द्विंद नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना, क्या कहा गया है उसे, क्या बोलते हैं। शुभोद यादव मैडम बताइए मैम। प्राणायाम। बहुत अच्छे, टाइप्स ऑफ प्राणायाम, माइक बंद करिए सुरूप में और बताइए कितने टाइप्स के हैं प्राणायाम, संख्या टाइप करिए, गट उनके नाम टाइप करिए सभी लोग। टाइप योर नेम एंड डॉली राज सिंह, माइक खोल के बताइए कितने प्रकार के हैं। डॉली राज मैडम, कितने, फोर टाइप्स। आपने क्या टाइप करके भेजा था अभी, एट। सर वो गलती से हो गया सर, कुंभक मैंने सोच लिया था, आपने कुंभक बोलोगे तब तक मैंने हठयोग नहीं पढ़ाया जा रहा ना ये। रितु टोडी मैम बताइए कौन कौन से हैं वो चार टाइप के प्राणायाम। रितु टोडी मैम, सभी जायसवाल जी, वाय अभ्यंतर स्तंभ और विषया क्षेत्र चतुर्थ। हाँ जी, एक बार और बता दीजिए। वाय अभ्यंतर स्तंभ एंड विषया क्षेत्र चतुर्थ। वो तो चौथी वाली का नाम बता दिया मुख्य हाँ। रूप से, लेकिन हाँ। मैं पूछ रहा हूँ उन चारों के नाम बताओ। पूरक, रेशक, कुंभक। पूरक, रेचक, कुंभक यहाँ नहीं बोला गया, उन्हें क्या बोला गया है, उनको जो महर्षि ने क्या नाम दिया है वो वाला। बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ प्राणायाम। हाँ, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, ऐसे करके बोला गया है। ठीक है, चलो। प्रकाश का आवरण छीण किसके अभ्यास से होता है, बताइए, टाइप करिए। और शिमरन नौटियाल जी, आप बताइए माइक खोल के, प्रकाश का आवरण छीण करना है आपको, किससे करोगे, ज्ञान का आवरण दूर करना है। सोनाली मिलिंद, प्रत्याहार से। प्रत्याहार से सेम, सिमरन जी सर प्राणायाम से। वेरी गुड, सिमरन महोदय आप क्लास में लगता है थे नहीं, चलिए
अब धारणा के लिए मन किसके अभ्यास से तैयार होगा, क्या किया जाए कि धारणा के लिए मन तैयार हो जाए? विकास राणा जी बताएंगे माइक खोल के। तुरंत बताए सर, प्रणाम के माध्यम से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अग्रिम, जो इंद्रियों के विषय हैं उनका चित्त में या चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना, एकाकार हो जाना क्या कहलाता है? विक्की के जी बताइए आप। विक्की जी सर, उनका माइक खराब है, वो बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, आपको पता है उनका माइक खराब है? जी सर, उनका मैसेज आया था ना सर, अभी मैंने पढ़ा। मैसेज क्या उन्होंने? चलो ये वाला मैंने नहीं देखा। हाँ विक्की जी कर रहे हैं, ठीक है, कर दिया उन्होंने। ठीक है ठीक है, यस। राधिका मैडम बताइए। जी सर। क्या है वो सर क्वेश्चन, एक बार बोल दीजिए। प्रत्याहार। मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने? इंद्रियों के जो विषय हैं उनका चित्त के स्वरूप में एकाकार हो जाना क्या कहलाता है? प्रत्याहार सर, स्विषय चित्त स्वरूपान स्वरूपानुकार इंद्रियणा। वेरी गुड। अब इसी के अग्रिम क्वेश्चन की बात करें तो इंद्रियों पे वशित्व प्राप्त हो जाना, जो हमारे ऑर्गन से उन पे हमारी कमांडिंग प्राप्त हो जाना किसका बेनिफिट है? और अभी बताएंगे पुष्पा मुर्गाट। पुष्पा मैडम बताएंगे। नजनीन पंसारी। यस सर, प्रत्याहार से होगा। वेरी गुड, इंद्रिया वश में होगी। यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो लास्ट क्वेश्चन, प्रत्याहार का वर्णन साधन पाद के कितने नंबर के सूत्र में है? स्मिता वर्कुल माइक खोल के। मुझे लगा आप अष्टांग योग बोलेंगे, इसलिए मैंने पांचवा बोला, वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ऐसे। अच्छा, वो क्रम है, ठीक है ठीक है। सूत्र नंबर इसका क्या है? 54। चलिए, धन्यवाद सभी का। अभी ये पिंटू महोदय आइए और आप शांति पाठ कराइए। जी सर। सभी पीठ कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए कोमलता से, मन शांत विचार मुक्त। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए। ओम भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए कपनुमा आकृति बना के
बनाते हुए अपने दोनों आंखों पर लगा लीजिए और तीन बार पलकों को अंधेरे में झपकाते हुए धीरे से आंखों को खोल लीजिए। हरिओम।